मित्रों जय सियाराम। मित्रों, हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में आज हम आपके सामने लौंग से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे। यूं तो मैं लौंग के आपको बहुत सारे टोटके बताऊंगा, जिससे आप बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ लौंग और शत्रु। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपको बहुत परेशान कर रहा है, अकारण परेशान कर रहा है, या कोई कारण भी है, अगर आप किसी परेशानी में हैं लेकिन उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि आप अपनी परेशानी के बाद आप उसका समस्याओं का निराकरण कर देंगे, वो समझने को तैयार नहीं है, तो मित्रों आपको करना क्या है कि एक लौंग आपकी सारी परेशानी को ख़त्म करेगा। 3 मंगलवार एक लौंग आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। एक लौंग लीजिए, उसमें फूल लगा होना चाहिए। उस लौंग के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगा दीजिए। मंगलवार संध्या अपने ऊपर से वार कर, अपने ऊपर सर से घुमाकर, जो आपका शत्रु है या जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है उसके दरवाजे के बाहर फेंकाइए। फिर दूसरे मंगलवार को भी आप यही कीजिए, लौंग में सिंदूर लगाइए, अपने ऊपर से सर से ऊपर से घुमाइए, वार दीजिए और उस व्यक्ति के घर के बाहर फेंकाइए। तो आपको ये काम 3 मंगलवार करना है। तीसरे मंगलवार के बाद यानी बुधवार से आप देखेंगे कि वो व्यक्ति आपको परेशान करना तो दूर, आपको देखकर अपना सर घुमाकर चला जाएगा। आप करके देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। जय सियाराम।